Hey guys, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, जो भी नए आएंगे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल और बहुत सारा ढेर सारा प्यार दीजिएगा अपना। और दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। कितने बजे है बाबू? 10:30। गाइज 10:30 बजे हुए हैं। तो गाइज, आज बहुत ही खास दिन है हमारे लिए। मुझे तो कुछ पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। मुझे सिर्फ 5-10 मिनट पहले जो है पता चला। तो मतलब खुशी का ठिकाना ही नहीं है गाइज। आई तो पूरी फैमिली का, मेरा भी। तो आप सुनकर जो है आप भी खुश हो जाएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा आपको भी। तो गाइज देखो, हमारी बाबू को मेकअप दिखाते हैं। अभी बाबू जो है सच दस के तैयार हो रहे हैं, ये देखो। हम चिढ़ाए जा रहे हैं। आज तो बड़ी अच्छी सफाई हुई है। वाह 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 गाइस, देखिए। तो गाइस देखो, सिंपल सी चोटी भी हो गई, मतलब अकलचा लगा दिया। और क्रीम लगा रहे हैं बाबू। कौन सी फ्रूट वाली क्रीम लगा रहे हो? किस लिए तैयार हो इतने सुबह सुबह? कहाँ चल रहे हो? गर्मी हो। वाह वाह, तो टेबल भी कितना अच्छा सजा हुआ है गाइस। किस चीज की तैयारियां हो रही है, मुझे तो कुछ भी पता नहीं था। और मम्मा को पता था, लेकिन मम्मा ने मुझे बताया नहीं। फिर मुझे ना थोड़ा सा मैं गुस्सा हुई, क्योंकि भाभो को पता था और मम्मा को भी, और बाकी किसी को पता नहीं था पूरी फैमिली में। तो मैं आगे बताऊंगी क्या है सरप्राइज। अभी के सिंदूर, वाह सिंदूर भरा जा रहा है। तो आज गाइस देखो, कितना साफ सुथरा मैट लग गया है नीचे। और ब्लैंकेट भी, वाह कितना वीआईपी ब्लैंकेट निकाला। वाह वाह मस्त। पर्दे क्यों बांध लिए? गर्मी लगती है, गर्मी लगती है। फैन नहीं है ऊपर, गर्मी लगती है। गर्मी ठंडी है हिमाचल में, है ना? मेकअप सामान इधर भी, पाउडर भी लगाता है पन्नू का बच्चा, लगा दे। गाइस हम तो ना सिंपल से हैं। ये देखो, हमने तो प्लाजो सेट पहना हुआ है, मतलब इसके साथ मैच किया हुआ थोड़ा सा। और मैंने आज हेयर वॉश वगैरह किया हुआ था, तो अभी सूख गए हैं मेरे हेयर। तो गाइस अभी मैंने खाना खा लिया है, मैंने और अंशु ने। तो मम्मी नहा रही है अंशु को, तो बाबू को रहा है मेकअप। मांग भर दी है बाबू ने, तो अभी लगाएंगे बाबू लिपस्टिक, फिर हो गया बस, है ना। पिंक वाली है, रेड गाइस लग गई लिपस्टिक। तो बाबू हो गए हैं तैयार, और चलते हैं हम अभी बाहर। तो गाइस नानी भी हो गए हैं तैयार, और अंशु को नहाना धोना भी हो गया है नीचे। तो गाइस आज मैंने उसके लिए निकाला हुआ है पीला पीला टी शर्ट, और लेगी भी पीली निकाली हुई है। तो मम्मी ने नहा दिया उसको, चोटी भी कर दी अंशी, और नानी इधर चश्मा लगा के बैठे हुए हैं। अम्मा आपके हेयर तो बड़े अच्छे हैं। तो गाइस मैं निकाल रही थी आलू को, मतलब आलू उबाले हुए थे। तो गाइस आज परांठे भी बन रहे हैं। कोई आने वाला है गाइस? कौन आने वाला है मैं बताऊंगी। तो गाइस देखो, मैं आलू के छिलके निकाल दिए, इतने छोटे छोटे गाइस। ये देसी आलू है, 2-3 आलू रह गए हैं इसमें। तो हाँ अंशु आ जाओ मम्मा, अभी बता ही देती हूँ। तो फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार होता है, मतलब हर एक फौजन को इंतजार होता है। तो गाइस हाँ, मतलब अंशु के पापा नहीं आ रहे हैं, मेरे फौजी साहब नहीं आ रहे हैं, आज आ रहे हैं हमारे भाबो के फौजी साहब। सुरमा आ रहे हैं। तो गाइस आज मेरा भाई आ रहा है छुट्टी, तो पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। तो पापा गए हुए लाने के लिए, और उसके लिए बन रहे हैं आलू के परांठे, 2-3 रह गए। तो आलू के परांठे बन रहे हैं। तो गाइस बस आप थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, मतलब 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे। हमने फ़ोन किया था तो पहुंच गए थे आधे रास्ते में।
तो मुझे तो कुछ भी पता नहीं था, ना मुझे कुछ भी बताया नहीं था। तो सुबह मुझे बोल रहा है आपको पता है, मैंने कहा क्या, मैं वॉक करके आ गई नहर से, आपको पता है आपको पता है, बस ऐसे ही बोलते रहे। और मतलब मैंने सोचा कि पता नहीं क्या कोई मतलब दूसरे मेहमान आ रहे होंगे, बोलते आपके भाई आ रहे हैं। मैंने कहा खुशी होती है ना, बहुत अच्छी क्यूट सी खुशी होती है, मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे है ना, मेरा दिन भी आएगा, ऐसा बोलो ना आपका दिन भी आएगा, है ना, चिढ़ाने का हम भी चिढ़ाएंगे चिढ़ाओ चिढ़ाओ। तो गाइस हाँ, मेरा भाई आने वाला है और पापा अभी नहीं आएगा, इस देख लेते हैं। गाइज अभी तो नहीं दिख रहे हैं, रास्ता देख के जाते हैं, अभी तो खाली है पूरा सड़क, नहीं दिख रहे हैं गाड़ी वीडी कुछ भी। हाँ देखिए, तो इधर से ही आएगा मेरा भाई, एक नीचे वाला रास्ता भी है गाइज, लेकिन सड़क इस तरफ से शॉर्टकट पड़ती है, घर के पास नज़दीक है, तो इधर से आएंगे। तो चलते हैं, वेट करते हैं थोड़ा सा, मम्मी को भी नहाना है। गाइस मौसम देख लीजिए, उतनी देर धुंधी लगती है दूर दूर वाली पहाड़ियों में। तो गुड्डू क्या कर रही है? अच्छा तब तो बोलती है अभी। मंद मंद मुस्कुराना भाबो जी, वाह अपने प्यारे पति के लिए आलू के परांठे, कितने छोटे छोटे आलू निकाल रहे हैं छिलके उसके। हाँ जी हमने बनाएंगे, आप बनाओगे, आपके भाई आएंगे, अभी तो मेरा भाई आ रहा है तो मैंने छिल लिए छिलके तब आपके भाई आएंगे मत बोलो कुछ कुछ नहीं है, हम अपना कैमरा बंद नहीं रखेंगे, हमको पता है। गाइस आज सुबह से बहुत ज़्यादा काम हो गया था, इसलिए जो है किचन में बहुत सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। तो हाँ बड़ी बड़ी हेल्प करूँगी मैं, देख रही हूँ। तो गाइस आ गई क्या? नहीं, फैन की आवाज़ आ रही है ना। हाँ जी आटा गुन नहीं है, हाँ तो बस ना है अब। हाँ क्या क्या डाल रहे हो उसमें? मिर्ची और क्या डाला? जीरा जीरा हल्दी नमक नमक। तो गाइज बस बैठ के वेट ही चल रहा है भाई का, कब जैसे पहुंचेंगे, क्योंकि पापा को गए हुए आधा घंटा हो गया है। पापा मतलब उसने जो है फ़ोन किया हुआ था, तो पापा नहा रहे थे, फिर नहाने के बाद चले गए, तो अभी तक कोई फ़ोन वीन कुछ नहीं आया है फिर से। और नानी भी बैठे हुए वेट कर रहे हैं, नानी को चले जाना था आज, नानी नाना को, लेकिन फिर मम्मी ने बताया होगा कि ऐसे से आ रहे हैं, तो फिर वो भी रुक गए, बड़ी मुश्किल से उनको रुका दिया है हमने। तो गाइस आज मैं तो सुबह सुबह ही नहा लिया आज मैंने, और आज मैंने ना ये वाला गोल्डन झुमका डाला हुआ है गाइस, और बहुत बड़ा जैसा लग रहा है मुझे खुद ही, तो एक दो दिन पहनूंगी फिर खोल दूंगी मैं इसको। और गाइस मंकी लग रहे हैं मुझे, मंकी आए हुए हैं, बाबो बाबो गाइस वो देखो जंगल में क्या है, इधर से नहीं दिख रहा। हाँ गाइस वो देखो 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 मंकी, अम्मा कितनी सारी मंकी है ना। अरे 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 कहाँ से आ गए भाई, फिर से आ गए नीचे को मंकी। अम्मा अम्मा को सुनाई नहीं दे रहा फैन की वजह से, कहाँ जा रहे हैं भाई नीचे? न
नहीं नहीं नीचे को ही चले गए ये तो। हाँ बाबू मंकी एक बिल्ले एकदम टुच्चू सा, इतना बड़ा आलू खाओ। नमक टेस्ट करना है। टेस्टी। मसाला बड़ा टेस्टी बना है गाइस आलू का। बड़ बार बंद रहे अम्मा। यही लग रहा बुना आना। ब्लैंकेट भी डाल दे सूखने के लिए। ओ तो लग रही झूलन पार। केले तो है नहीं अभी है ना। केले नहीं है पर नीचे नीचे से आ रहे हैं। झूल रहे हैं झूल रहे हैं। माँ माल तक बखरा है ना। और सुना अम्मा। क्या सुना ना? कुछ भी सुना। गाने गुने सुनाए दे। गाने सुना दे। मान चला रे। फौजी वाला गाने सुनाए दे। फौजी वाले गाने क्या सुनाऊं? कोई भी सुना। इन्हें आंदा फौजी मेरे ओ पाई जगरे दा फेरा हो रात जुदाइयां दी हो रात जुदाइयां दी दिल लगदा नहीं ओ मेरा फौजी मेरे ओ पाई जगरे दा फेरा। अम्मा आपके फौजी तो आ गए। अम्मा के फौजी आ गए। और गाना सुना। हाँ तसे नहीं आंदी ते हिमाचली गाना सुनाए दे समझ नहीं आनी। मानचल क्या तेरा गाना मारा मानचल बड़े बांका। गाए दे गा गा। मारा मांचल बड़ा बांकाओ गाता मुंजो नहीं आंदा। ऊंची ऊंची धारा डुगी डुगी नदिया सेवारे बगीचे ओ मारा मांचल बड़ा बांकाओ। आगे ऊंची नदिया डुगी डुगी नदिया ऊंची पारा मारे मचल बड़ा बांका सेवर बगीचे नारे पेड़ सेवर बगीचे नारे पेड़ मचल मारा बांका। सेव की सेब को बोलते हैं ना। आई जाना समझ। बार बार उनका ही वेट चल रहा है। बार बार आ रहे हैं देख रहे हैं अभी आएंगे अभी आएंगे अभी आएंगे लेकिन अभी नहीं आए हैं तो फोन भी नहीं करके देखा। गाड़ी की आवाज तो आ रही है। आ रही है शायद आवाज कि नहीं मुझे ही लग रही है। वो टाइम लग गया उनको आने के लिए ना। बड़ा टाइम लग गया। इस टाइम तक तो पहुंच जाना था। हाँ पहुंचते आ रहे होंगे इस टाइम तक। है ना आ रहे होंगे। हाँ गाइज पापा तो आ गए।
बाबो इतना सारे सामान, आ गए आ गए आ गए, अभी फाइनली फाइनली पूरा हुआ क्या? आया 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 आ गया हमारा फौजी बालू बेटा, आया आया आया, गुशारा गुशारा भाई, आये पटेगा कितना आइए फौजी भाई, फजन जी फजन जी नीचे जाओ, हाँ वो तू सब चल जाओ तो नीचे, हम इधर से तो दिया फोन ना दिया खोली खाली के ना, नीचे चलो हम भी, हाँ हाँ हमें बड़ा मजा आ रहा है चिढ़ाने का, मामू आई आते तंग करने वाला, जावा मिला इतनी दूर देख रहे हो, उठ दी जा तो उठ दी, मिलने इतनी की मिलना आंची मामू के साथ नहीं किया बात, मामू बड़ा हो गया अभी, मामू बेटा बड़ा हो गया, चप्पल भाई लो ओए चप्पल तोड़ी दिया से सारी है चप्पल तोड़ी दिया, क्यों यू ना याद रही आनी अंशु बहुत ज्यादा डर रही है और बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब अचानक सरप्राइज मिला मुझे तो कुछ पता नहीं था, मतलब घर वालों का दादों को शाम को ही पता लग गया था लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था, तो गाइज बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तो आंजी मम्मा रुक जा रही हूँ, तो गाइस मतलब आंशी के पापा का भी वैसे ही वेट करूंगी, बहुत अच्छा लगता है ना गाइस जब बहुत दिनों के बाद आता है अपना भाई हो चाहे अपने फौजी साहब हो तो कितना अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा मतलब मेरी खुशी जो है आप समझ सकते हैं, अभी मैं कुछ मतलब शब्द नहीं है बोलने के लिए, इतना अच्छा लगता है बोलो बहुत दिनों के बाद चेहरा देखना, और जब अंशु के पापा आएंगे तब हम भी ऐसी वीडियो बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे, तो ठीक है दोस्तों फिर बाय बाय, सपोर्ट कीजिएगा बहुत सारा और आपका प्यार मिलता ही है मुझे तो और भी ज़्यादा प्यार दीजिएगा दोस्तों, बस यही उम्मीद है आप सभी से, और ठीक है दोस्तों बाय बाय।